हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अद्वय इंस्टीट्यूट। तो आज हम लोग जो क्लास 10 CBSE है उसके ट्रायंगल चैप्टर को सॉल्व कर रहे हैं। इसमें हम लोग आज जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखे थे उसके कन्वर्स थ्योरम जो बोलता है उसकी आज बात करेंगे। थ्योरम क्या बोलता है 6.2 जो NCERT में, कि इफ़ ए लाइन डिवाइडेड एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। देखिए क्या बोलता है, इफ़ ए लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन द सेम रेशियो द लाइन मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ठीक है, लाइन डी डिवाइड द साइड ए बी एंड ए सी, लाइन डी डिवाइड द साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल सच दैट, ऐसे डिवाइड कर रहा है कि ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी। ठीक है, तो डी ई पैरेलल है किसका, बी सी का। अब क्या करने, ज्वाइन कर देना है, बी से ई को ज्वाइन कर रहे हैं और सी से डी को ज्वाइन कर रहे हैं, पहला काम। दूसरा काम क्या किए हैं, डी से डी एम परपेंडिकुलर ए सी पे डाले हैं। और तीसरा काम क्या किए हैं, सो ई से ई एल परपेंडिकुलर ए बी पे डाला गया है। ठीक है, अब हमने को प्रूफ क्या करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बी की बात करें, अगर ए डी ई की बात करें तो ये अपना बेस बनेगा तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाफ इंटू ए डी इंटू ई एल। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई की बात करें, देखिए यहाँ से बी डी ई, अब यहाँ पे परपेंडिकुलर तो ऐसा ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए इसका परपेंडिकुलर जो है वो बाहर शिफ्ट करके क्या बन रहा है, ई एल बन रहा है। परपेंडिकुलर जो है बाहर शिफ्ट करके ई एल बना, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई क्या बनेगा, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एल, हाफ इंटू बी डी इंटू ई एल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी बाई एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, अगर इन दोनों को डिवाइड कर दे तो ए डी बाई ई एल हाफ इंटू बी डी इंटू एल, हाफ हाफ कट गया, ई एल से ई एल कैंसिल हो गया, ए डी बाई डी बी आ गया, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सिमिलरली इसी तरह से अब आइए इधर से ए ई डी, ए डी लिए थे ए ई डी ले रहे हैं, अब यहाँ से क्या आएगा, यहाँ भी ए ई डी लीजिएगा तो हाफ इंटू बेस इंटू इधर भी, तो इसका बेस कितना बनेगा हाफ, है ना, और बेस तो ए ई हो जाएगा और डी एम, है ना। और दूसरे सी डी ई की बात करें तो सी डी ई, यहाँ भी बेस सी होगा और परपेंडिकुलर तो डी एम ही बनने वाला है, है ना, परपेंडिकुलर इस कंडीशन में डी एम ही बनने वाला है। अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी का, तो ए ई डी में बनेगा हाफ इंटू बेस ए ई, है ना, और हाइट बन जाएगा डी एम। इधर से बात करें तो परपेंडिकुलर ये लिया, इधर से बात किए थे तो परपेंडिकुलर ये वाला लिए थे। उसी तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी की बात करें तो हाफ इंटू सी ई में बेस क्या हो जाएगा सी, और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा डी एम। अगर दोनों को डिवाइड कीजिए तो अपने को बनेगा ए ई बाई सी ए, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। बट इट इज गिवेन दैट ए डी बाई डी बी इक्वल टू ए ई बाई ई सी, तो ए डी बाई डी बी ए ई बाई ई सी का इक्वल हो जाएगा, है ना। तो अब फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 से देखिए ए डी बाई डी बी किसके इक्वल है, ए ई बाई ई सी का, यानी ए डी बाई डी बी किसके इक्वल हो गया, ए ई बाई ई सी का, मतलब ये दोनों इक्वल हो गया, क्योंकि ए डी बाई डी बी को हम ए ई बाई ई सी भी तो लिख सकते हैं, तो ये दोनों ट्रायंगल का जो रेशियो एरिया का वो इक्वल हो जाएगा, ए डी ए डी के तो इक्वल है ही। अब बी डी और सी ई डी की बात करते हैं, और बी ई डी, देखिए बी ई डी और सी ई सी ई डी, ये जो ट्रायंगल दो है वो सेम बेस, दोनों का बेस सेम है और दो पैरेलल लाइन यानी बी सी और डी ई के बीच बनता है। अगर कोई दो ट्रायंगल सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में बनता है तो दोनों का जो एरिया होगा वो इक्वल होगा, यानी ये दोनों भी इक्वल हो गए, तो ये दोनों इक्वल हो गए, यानी डी जो है बी सी का पैरेलल हो जाएगा, और ये हमारा कन्वर्स ऑफ बीपीटी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का रिवर्स बोलता है। अगर पैरेलल हुआ तो, अगर साइड प्रोपोर्शनल रेशियो में हुआ तो साइड पैरेलल हो जाएगा, और पैरेलल होगा तो साइड सेम प्रोपोर्शन में होगा, ये हम पहले से पढ़े थे। ठीक है, तो इसके आगे नेक्स्ट थ्योरम नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं, तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स।